एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस देश के सबसे कम प्रभावशाली और अधिकारों से जो वंचित रहे हैं, ऐसे वर्ग की ओर अथवा ऐसे बच्चों की ओर जिनकी संख्या हमारे देश में अनुमानित लगभग 2 करोड़ है, और ये वो जिन्हें अंग्रेजी में ऑर्फन्स कहा जाता है, निराश्रित बच्चे जो या तो छोड़ दिए गए हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, और इनकी आबादी अनुमानित है कि हमारे देश में जितनी है वो श्रीलंका की आबादी से भी अधिक है। वैसे तो हम यहाँ सदन में कई बार आरक्षण को लेकर चर्चा कर चुके हैं, और मेरा ये मानना है और मुझे लगता है पूरे सदन का भी मानना होगा कि सबसे पहला अधिकार यदि आरक्षण में किसी वर्ग का बैठता है तो वो इन ऑर्फन्स का बैठता है। लेकिन अधिकार आरक्षण का तो कहां मिला, समानता का भी नहीं मिल पाया। इस संबंध में महोदया, इस बार जीरो आर में प्रथम बार मुझे बोलने का अवसर है, बहुत ही गंभीर विषय है, 1 मिनट और लूंगा केवल। एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं पुलोमी पावनी जी, उन्होंने एक PIL फाइल करी है कि इन बच्चों को जिन्हें ना तो एजुकेशन मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना ही आरक्षण प्राप्त हो रहा है, इनको इनका राइट टू लाइफ, इक्वालिटी एंड एजुकेशन मिले। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है, सरकार से मैं मांग करता हूं कि सर्वप्रथम एक आधिकारिक सर्वेक्षण किया जाए, ये देखा जाए कि ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे देश में जिन्हें संरक्षण की और जिन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। साथ के साथ दूसरी मांग ये कि इसी सदन में एक कानून लाकर ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण देने का हम कानून पारित करें। धन्यवाद महोदय।